देखिए दोस्तों कितनी सुंदर मूर्ति है। देख लीजिए दोस्तों ये 34 सदी का है, बंदूक है पुराने जमाने की। तो कैसे हो आप लोग, मैं आपका भाई नवदीप कुलेरी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ चिड़ियाघर और म्यूजियम, तो अब जाएंगे हम वहाँ पे। तो अब पैकिंग वगैरह कर लिया हम और अब चलते हैं। चलिए हम ऑटो में दोस्तों, और ऑटो वाले भैया आ चुके हैं और आपको दिखा दे रहा हूँ पीछे वाला कैमरा करके। कुछ खाएंगे यार दोस्तों, भूख लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया उठे थे तब से, तो अब कुछ खाएंगे। दोस्तों ये म्यूजियम है, इसके अंदर भी चलेंगे हम। तो अभी पाव भाजी ऑर्डर की है, पाव भाजी खाएंगे क्योंकि भूख लग रखी है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया। और अभी हम चलेंगे म्यूजियम के अंदर, पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। हमने वहाँ पे पाव भाजी खा लिया और अभी खाएंगे पानी पूरी क्योंकि भूख अभी भी लग रखी है हमको, तो पता नहीं क्या हो गया। नाश्ता वगैरह कर लिया है, पेट फुल भर चुका है हमारा। टिकट कटाते हैं हम फिर चलते हैं अंदर। टिकट कटेगी पहले, टिकट कटा के आते हैं फिर चलते हैं म्यूजियम में। कटेगी दोस्तों उसकी इसकी टिकट, ने की जू की तो उधर से कटते हैं लेकिन इसकी इधर ही कटेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, हम अंदर चलते हैं। ₹25 हमारे फालतू में लगे, पूछे क्यों, क्योंकि मैं स्टूडेंट ही तो हूँ, स्टूडेंट के आधे पैसे लगते हैं, 50% ऑफ हो जाता है। फिर से दोस्तों ने की इधर से, चलिए अंदर चलते हैं। टिकट दिखा दी है, अब अंदर चलते हैं। चलिए तो अंदर चलते हैं, अब तो अंदर चलते हैं। अंदर से देखे दोस्तों कितना निशान है, देख लीजिए आप। और ये है कारपेट पहले के जमाने की, शायद देख लीजिए। दोस्तों गुलदस्ता कितना सुंदर गुलदस्ता है यार, देख लीजिए। ये पहले के जमाने की चीजें हैं सारी, जो भी इधर लग रखी है देख लीजिए आप सारी। इस साइड चलते हैं हम, देखिए बुद्धा की मूर्ति वगैरह सारी देख सकते हैं आप। इस साइड से भी देख लीजिए, पेंटिंग वगैरह देखिए। कितने सुंदर सुंदर है यहाँ दोस्तों गुलदस्ते वगैरह। चारों तरफ यही यही है, कितना सुंदर है यार दोस्तों, देख लीजिए अंदर से कितना सुंदर नजारा है। ये देखिए गुलदस्ते हैं ये सारे, और पता नहीं क्या क्या है, बहुत पुराने हैं। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर मूर्ति है, पुरानी है लेकिन बहुत पुरानी है, देख लीजिए पत्थर भी पड़े हैं इधर पुराने पुराने। देख लीजिए दोस्तों ये 34 सदी का है, और दोस्तों ये 1200 साल पुरानी है जो
देख सकते हैं आप, एक देवता की फोटो है, शायद 1200 साल पुराने हैं और देख लिए 8वीं सदी की है, 11वीं और 12वीं सदी की, देख लीजिए। और ये 8वीं की है भी, ये कोई 1200 2000 साल पुरानी है, सारी देख सकते हैं आप, किस सदी की है, देख लीजिए। ये 10वीं सदी की है, कितनी पुरानी है देख लीजिए यार दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, ये सारी बहुत पुरानी है, 10वीं सदी की, देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई है सारी, सारी देख लीजिए दोस्तों, 1200 साल, कितनी सारी पुरानी है देख सकते हैं। देखा दोस्तों कितनी पुरानी है ये देखिए, ये 4वीं सदी की है, बुद्ध की मूर्ति है दोस्तों, ये देख लीजिए कितनी पुरानी है यार दोस्तों, ये देखिए आधी मूर्ति आधी टूट चुकी है, लेकिन ये 4वीं सदी की है, मतलब बहुत पुरानी है ये तो। देखिए ये ढाल है रामायण के समय की, देख लीजिए कितनी पुरानी है और कितनी सुंदर है, इस साइड भी देख लीजिए प्यारे दोस्तों, ये तीर वगैरह भाला वगैरह सारी चीजें हैं, बहुत पुरानी है ये दोस्तों, बहुत ज्यादा पुरानी, देख सकते हैं इसको, देखिए दोस्तों कितनी तलवारें हैं इधर पुरानी, बहुत सारी देख सकते हैं, लीजिए दोस्तों राम की तलवारें हैं सारी, अंदर की साइड इस साइड भी देख लीजिए आप, भाले वगैरह हैं, ये कुल्हाड़ी बंदूक है पुराने जमाने की, 19वीं सेंचुरी की, 19वीं सदी की है ये सारी बंदूकें, ये देखिए दोस्तों ये बारूदी बंदूकें हैं पुराने जमाने की दोस्तों, बंदूकें हैं ये, बारूदी बंदूकें हैं, ये भी 19वीं सदी की है, कितनी छोटी से लेके बड़ी तक है। और इधर देखिए ये हमें हेरा फेरी वाली बंदूक मिल गई, देख सकते हैं हेरा फेरी में हुई है, ये है 18वीं सदी की। और ये देखिए यार दोस्तों सबसे बड़ी बंदूक है 17वीं सदी की, देख लीजिए कितनी बड़ी है यार दोस्तों, लंबी भी बहुत है तो दिखने में, ये देखिए। और ये भाले वगैरह तलवारें चाकू सारी चीजें देख लीजिए, पहले के जमाने के हथियार, इससे लड़ाई होती थी पहले, जंगे लड़ी जाती थी, साल पुरानी चीजें हैं इधर। ये देखिए हुक्का, पुराने जमाने का हुक्का है ये, देख लीजिए और ये देखिए ये क्या है, 19वीं सदी का, देख लीजिए नीचे से देखा दोस्तों कितनी पुरानी पुरानी और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, पहली बार देखी मैंने तो, आपने कभी देखी हो तो बताना कमेंट करके। और अब हम ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, ट्रे पहले के ज़माने की, किस शानदार है यार, फिटिंग है चारों ओर लगी हुई, और ये छड़ी पहले के जमाने की, और इस साइड से देख लीजिए आप ये महल्ला जो देख रहे हैं अभी आप, ये दुर्गा माता महाराजाओं के कपड़े, ये फीमेल
ये राजस्थानी पोशाक देख लीजिए, कपड़े हैं ये पहले के जमाने के। ये परमेश्वर देख लीजिए, ये शानदार है। ये क्या है ये मुझे नहीं पता, बहुत पुराने हैं। देखिए सितारा वगैरह आए हैं, देख लीजिए गिटार, ढोलक, शहनाई। ये देखिए दानपुरा, ये क्या क्या नाम है इनके मुझे भी नहीं पता। देखिए ये क्या है दोस्तों, आप बता दीजिए। ये रहा इनका नाम। सबसे बड़ा गिटार ये दिख रहा ना, ये देखिए रक्त का प्रतिरूप है ये छोटा। ये बात समझ में नहीं आई है, इतनी सारी पुरानी पुरानी चीजें लाए कहाँ से है ढूंढ ढूंढ के। कितनी सुंदर सुंदर चीजें यार दोस्तों, ये देखिए पहले के जमाने के हार वगैरह। संतरज का खेल है, हार वगैरह। ये क्या है, ये मुझे लगता है चूड़ियां हैं हाथ में पहनने वाली। देखिए कितनी बड़ी बड़ी है ये सोने की। देख लीजिए चांदी है। कितने अच्छे भजन गा रहे हैं इधर। तो अब हम बाहर चलते हैं, अंदर से तो दिखा दिया आपको, अभी आपको मैं ले चलता हूँ चिड़ियाघर में जो है कि उधर। तो अभी चिड़ियाघर की टिकट कटाते हैं और फिर आपको ले चलता हूँ उधर। और मैं व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं अभी सीधे टिकट कटा के आपसे बात करता हूँ। व्लॉग लंबा होगा तो जाहिर हूँ, फालतू में आप इरिटेट हो गए। देखिए कितने शानदार आ रहा है, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। देखिए इधर ट्रिप है, मुझे लगता है ट्रिप पे लाए इधर बच्चों को। देखिए हेलो,